डियर व्यूअर्स नमस्कार। करंट इवेंट्स इन टू मिनट्स में आपका स्वागत है। करंट इवेंट्स इन टू मिनट इसलिए हम कहते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसके अगर टेक्स्ट मैटर को आप पढ़ेंगे तो आपका दो मिनट से ज्यादा समय जाया नहीं होगा। फिलहाल हम लोग आज के वीडियो में एआई से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। कौन नहीं जानता एआई आज के युग में? सभी जानते हैं, सभी जगह इसका प्रयोग हो रहा है और इस प्रकार से हो रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं भय जीवन का जहां एआई के प्रयोग की चर्चा हम ना सुनते हों। आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वह एक पुस्तक के बारे में है जो एआई पर लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है नेक्सस। आज हम विश्व प्रसिद्ध इजरायली लेखक युवाल नोह हरारी की पुस्तक नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई की चर्चा करेंगे। हिंदी में इसके शीर्षक नेक्सस को हम संपर्क कह सकते हैं और इसका जो उपशीर्षक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई उसको कह सकते हैं पाषाण युग से एआई तक सूचना नेटवर्क का इतिहास। तो सबसे पहले हम आपको नेक्सस के बारे में बता दे रहे हैं। यह यूं तो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गई है। इसका प्रकाशन तिथि 10 सितंबर 2024 है और इसमें 528 पृष्ठ हैं और अमेजॉन पर भारत में यह 1599 रुपए की प्राप्त हो रही है। प्रकाशक इसके फर्न प्रेस हैं। अंग्रेजी के साथ साथ और कई भाषाओं में भी एक साथ यह पुस्तक उपलब्ध है। तो अब मूल भाषा में प्रायः नो हरारी हिब्रू में लिखा करते हैं और बाकी अनुदित प्रतियां होती हैं। तो अब देखना यह है कि श्री हरारी इस पुस्तक में क्या कहते हैं। श्री नो हरारी इस पुस्तक में मानव इतिहास पर सूक्ष्म दृष्टि डालकर एक विचार प्रस्तुत करते हैं कि सूचना के प्रवाह ने हमारी दुनिया को कैसे बनाया या बिगाड़ा। तो आप जान सकते हैं कि सूचना का प्रवाह हमारी दुनिया को बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। कृत्रिम बौद्धिकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या संक्षिप्तता कहें तो एआई के संदर्भ में पुस्तक कहती है हम मानव इतिहास की सबसे गहन सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम पहले सूचना के किस दौर से गुजरे हैं और उस समय किन किन परिस्थितियों से आगे बढ़कर हम आज यहां तक आ गए हैं। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव की है लेकिन फिर भी हम आत्म विनाशकारी काम क्यों कर रहे हैं। किस संदर्भ में? सूचना के संदर्भ में। अब नो हरारी इसी पुस्तक में आगे विश्लेषण करते हैं कि सूचना संपर्क के नेटवर्क का निर्माण करके मानवता शक्ति प्राप्त करती है। यद्यपि कहा जाता है कि सूचना से बौद्धिकता प्राप्त होती है लेकिन सूचना का उपयोग शक्तिशाली लोग अपने शक्ति वर्धन हेतु भी करते हैं और अपने बड़े नेटवर्क को बनाए रखने उस पर काबिज रहने के आसान तरीके के लिए कल्पना फंतासी और सामूहिक भ्रम भी फैलाते हैं। 21वीं सदी में एआई सूचना संपर्क के नेक्सस से ऐसा भ्रम जाल बना सकता है कि भावी पीढ़ियां उसके झूठ और कल्पनाओं को उजागर करने में भी असमर्थ रह सकती हैं। आप देखते हैं कि एआई से क्या होता है। एआई से वॉयस आएगी, पता नहीं चलेगा ओरिजिनल है या यह एआई जनित है। कोई व्यक्ति ऐसा बनाया जा सकता है कंप्यूटर द्वारा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या फिर यह एआई जनित है। इसी प्रकार सूचनाओं का भंडारण करके, सूचनाओं को ज्यादा फैला करके अनेक विकृत तरह के निष्कर्ष या परिणाम निकल सकते हैं। जैसा कि अभी
म्यांमार में देखा गया कि रोहिंग्या के खिलाफ तमाम सूचनाएं ऐसी फैलाई गईं जिससे हिंसा बढ़ाने में सहायता मिली या हिंसा का वह वाहक बनी सूचनाएं। लेखक चेताते हुए कहते हैं कि चौकन्ने रहकर हम अभी भी सूचना प्रवाह के सबसे बुरे परिणामों को रोक सकते हैं। इस पुस्तक के आवरण पर, पुस्तक आप देखिए यहां बोर्ड पर लगा हुआ है, इस पुस्तक के आवरण पर कबूतर का चित्र है जिसे प्रतीक बताते हुए लेखक कहते हैं कि कबूतर युद्ध के समय संदेश वाहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और बाइबल में नूह की कहानी में कबूतर यह संदेश भी लाता है कि प्रलय के बाद की बाढ़ का खतरा समाप्त हो गया है और अब नए जीवन की शुरुआत का समय आ गया है। वे उम्मीद जताते हैं कि सूचनाओं की बाढ़ के अंत का संदेश लाने वाला कबूतर भी अवश्य आएगा और हम एआई के माध्यम से सूचनाओं के बाढ़ के जिस खतरे के सामने के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं उससे कुछ मदद मिल सकती है, बशर्ते हम चौकन्ने रहें, हम सावधान रहें। एक नज़र हम युवाल नोह हरारी की अन्य पुस्तकों पर भी डाल लेते हैं। इनकी नंबर वन बेस्ट सेलर पुस्तक जो थी सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बनी थी, जो सबसे पहले हिब्रू भाषा में 2011 में प्रकाशित हुई, बाद में फिर अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई 2015 में। इसी तरह होमोडियस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो इनकी 2016 में प्रकाशित हुई और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी थी 21 लेसंस फॉर द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी के 21 सबक, यह 2018 में प्रकाशित हुई। सभी इनकी पुस्तकें नॉन फिक्शन हैं और प्रायः इतिहास के संदर्भों में बात करती हैं क्योंकि जो इसके लेखक हैं युवाल नोह हरारी वे इज़राइल के हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं और दार्शनिक हैं। इस तरह से एक पुस्तक के बारे में हमने आज बात किया है, ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, चर्चित है, तो प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण से भी परीक्षार्थियों को जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।